कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, एक युवक की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिला अस्पताल में भर्ती। खबर चंदौली से है। जनपद में आज तेज गरज के साथ बारिश हुई। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पहली घटना सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के मनहेरा गांव के पास हुई जहां 35 वर्षीय राजीव अपने चाचा और भतीजे के साथ नई कोर्ट से निमंत्रण कर मनहेरा गांव लौट रहा था। इस दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई जिससे वो जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी आकाशीय बिजली गिरी जिससे उसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे सकलडीहा SDM ने परिजनों को आश्वस्त कर मुआवजे की बात कही, तब जाकर शव कब्जे में लेकर PM के लिए भेजा गया। दूसरी घटना चकिया कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर हिनौती दक्षिणी में हुई जहां एक ही मकान के अंदर बैठे लोगों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी जिससे एक परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए जिसमें 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। आनन फानन में निजी वाहन से सभी घायलों को चकिया संयुक्त जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया जहाँ पर सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी होते ही चकिया विधायक कैलाश खरवार अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम जानने के साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। घटना से दोनों परिवारों में खलबली मच गई। वहीं राजीव की मौत से 2 बच्चियों के सर से पिता का साया उठ गया। देखते ही देखते राजीव के चाचा और उसके भतीजे के सामने ही राजीव की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जनपद में कई जगह आकाशीय बिजली गिरी। हालांकि सौभाग्य रहा कि इन दो घटनाओं के बाद कोई और घटना सामने नहीं आई। वहीं संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया के CMS ने बताया कि 7 पेशेंट आए हैं हमारे यहाँ। इमरजेंसी मेडिकल अफसर और सर्जन ने उनको देख लिया है और उनको हम लोगों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है और जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं? 7 पेशेंट हैं टोटल। 7 हैं जी। क्या स्थिति अभी उन लोगों की? अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे हम उसको वॉच में रखेंगे। हमारे EMO और सर्जन साहब ने उनको देख लिया है।